हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे बच्चों, इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पहले हम देखे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज हम देखेंगे बच्चों बेस थियोरम के बारे में। इससे पहले अगर आप लोग बाकी दो वीडियो नहीं देखे हो, पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आज का वीडियो देखना, राइट। और एक चीज़ है बच्चों, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर लो। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो बच्चों, ये रहा आपका बेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल दूँ कि ये बेस थ्योरम का जो भी मैं यहाँ स्टेटमेंट एंड ये जो फॉर्मूला लिखा हो ना, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बट आप जब ये सारे चीज़ पढ़ोगे ना, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, यानी कि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा एंड आपको ये सारे चीज़ को समझने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, ये जितने भी आपका फॉर्मूला दिया है, ये जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका अप्रोच हम क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। एंड इसमें और एक खासियत ये है बच्चों कि आपका बेस थ्योरम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बाय यूजिंग ट्री डायग्राम, ठीक है, बाय यूजिंग ट्री डायग्राम सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्लास 11th में आप लोग जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होता था, उसी सेम फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। एंड और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल दूँ बच्चों कि यहाँ जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ ना, ये फॉर्मूला ही आप यूज करोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला ही आप यूज करोगे, बट इसी वे में नहीं, ठीक है। सो उससे पहले एक बार इसका स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आपके पास ये स्टेटमेंट को पढ़ना है, बस लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ एंड उसी वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं बच्चों। ये क्या बोल रहा है, इफ E1, E2, EN आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट विच कंस्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, दैट इज E1, E2 अप टू EN आर पेयर वाइज डिजाइंड एंड E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू EN इक्वल टू S एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI वेर A हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वेर EI हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ J गोज टू 1 टू N प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A वेर EJ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड फॉर एनी I इक्वल टू 1 टू 3 अप टू N। आई नो ये बात किसी को समझ में नहीं आई एंड आप लोग को ये समझना भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बस ये जो आपका फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला से ही हम सॉल्व करेंगे, बट इसी वे में नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे सारे आपका कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है, ठीक है। सो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहा है, बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag 2 contains 5 red and 6 black ball. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ जो भी हम फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है, वही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इन ए डिफरेंट वे। एंड इसमें और एक खासियत क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाई यूजिंग ट्री डायग्राम, ठीक है। बस आपको मेरे अप्रोच को देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसी अप्रोच में हम 3-4 तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन रहा आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 16, इसमें क्या है बच्चों, आपके पास दो बैग है, बैग 1 एंड बैग 2। तो पहले तो मैं यहाँ लिख लूँगा, ये मेरे पास क्या है बच्चों, बैग 1, तो यहाँ और एक बैग है बैग 2, राइट। ये जो आपका बैग 1 है, तो बैग 1 है बच्चों आपका 2 टाइप ऑफ बॉल है, रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल। इसमें आपका रेड बॉल कितना है बच्चों, 3 रेड बॉल, राइट। एंड इसमें आपका ब्लैक बॉल कितना है बच्चों, देयर आर 4 ब्लैक बॉल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बैग 2 में क्या दिया है बच्चों, देयर आर 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। इसमें आपका रेड बॉल दिया है 5, राइट। एंड इसमें आपका ब्लैक बॉल क्या दिया है बच्चों, 6 ब्लैक बॉल, ठीक है। देखो तो और क्या पूछा है बच्चों, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो आपने क्या किया बच्चों, रैंडमली एक बॉल को सिलेक्ट किए हो एंड वो बॉल क्या है बच्चों, रेड, राइट। वो बॉल आपका क्या है,
रेड, उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। तो इसमें दिया है कि आपने जो बॉल फाइंड किए हो, आपने जो बॉल फाइंड किए हो वो बॉल यानी कि रेड बॉल जो फाइंड किए हो वो रेड बॉल बैक टू में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। बात समझ में? कहने का मतलब ये है, इसमें क्या दिया है बच्चों, मान लो मेरे पास एक इवेंट है ए, ए इवेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, टू ड्रॉ ए वाइट बॉल, सॉरी रेड बॉल, टू ड्रॉ ए रेड बॉल। तो मैंने तो यहाँ क्या किया बच्चों कि ए इवेंट को लिख लिया रेड बॉल को फाइंड करने के लिए, और एक इवेंट लिया ई वन, ई वन को मैंने लिया टू चूज बैग वन, राइट, बैग वन को चूज करने के लिए मैं ई वन इवेंट से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली मैं और एक इवेंट लिया ई टू, ई टू क्या है बच्चों, टू चूज बैग टू, राइट, बैग टू को चूज करने के लिए मैं ए टू इवेंट लिया। बात समझ में? आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाई ए। क्या मतलब इसका, आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, कि आपने जो रेड बॉल फाइंड किए हो, बस समझो, आपने जो रेड बॉल फाइंड किए हो वो रेड बॉल सेकंड बैक पे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको चाहिए सेकंड बॉल पे, सेकंड बैक पे होने का प्रोबेबिलिटी जहाँ की ऑलरेडी एक रेड बॉल आप फाइंड कर चुके हो। बस समझ, ये तो आप फाइंड कर रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू वेयर रेड बॉल हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, ये चीज़ आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। देखो जैसे कि मैं एक रेड बॉल फाइंड करूँगा, यानी कि रेड बॉल आपका बैग वन पे भी है, बैग टू पे भी है, तो पहले तो मुझे एक बैग को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, रेंडमली मुझे एक पहले एक बैग को सिलेक्ट करना है। बैग को सिलेक्ट करने के बाद मैं वो बॉल को सिलेक्ट करूँगा कहाँ, बैग टू में फाइंड, बैग टू में होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहे। तो इसमें आपका क्या है बच्चों, दो बैग जो है ना आइडेंटिकल बैग है। ठीक है, तो मुझे बोलो ये दो बैग को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये हो जाएगा आपका वन बाई टू, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, वन बाई टू, क्योंकि ये दोनों बैग आपका क्या है, आइडेंटिकल बैग है। तो बैग वन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी वन बाई टू, बैग टू को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, वन बाई टू होगा। बात समझ में? इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि बैग वन पे, बैग वन पे एक रेड बॉल फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी, बैग वन पे एक रेड बॉल फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका थ्री बाई सेवन। थ्री बाई सेवन क्यों होगा, क्योंकि रेड बॉल टोटल कितना, थ्री, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सेवन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि किसी भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सिमिलरली आपका बैग टू पे, बैग टू पे रेड बॉल, ठीक है, बैग टू पे यहाँ अगर रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, ये आपका हो जाएगा फाइव बाई इलेवन। बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए कि सेकंड बैग पे, सेकंड बैग पे रेड बॉल जो फाइंड किया है वो सेकंड बैग पे होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये इसमें आपका फेवरेबल आउटकम क्या है रे, फेवरेबल आउटकम आपका बैग टू है ना, क्योंकि आप बैग टू में फाइंड कर रहे हो रेड बॉल को। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या होगा कि बैग टू में होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी यार, तो ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाई ए। क्या मतलब इसका, कि आपने जो रेड बॉल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो वो बैक टू में होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसमें आपका फेवरेबल आउटकम क्या है बच्चों, यानी कि आप कहाँ फाइंड कर रहे हो, बैक टू पे, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका बैक टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ये दोनों केस यानी कि पूरा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बात समझ में? ठीक है, तो चलो मैंने जैसे कि आपको आपको क्या क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि आपका बैक टू। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, बैक टू को फाइंड करेंगे। बैक टू को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई टू, राइट, इन टू, मैंने यहाँ पहले क्या किया बच्चों, बैक टू फाइंड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बैक टू में एक रेड बॉल फाइंड करूँगा। बैक टू में रेड बॉल फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइव बाई इलेवन डिवाइडेड बाई
बात समझ में बच्चों? इसके बाद क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकते हैं। हम फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस में क्या करूँगा, पहले मैं बैक वन को सिलेक्ट करूँगा। बैक वन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू बैक वन पे एक रेड बॉल फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। ये आपका हो जाएगा 3/7 प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, बैक टू जाएंगे। बैक टू को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड बैक टू में रेड बॉल फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 5/11। बस सबको समझ में? देखो बच्चों, इस यहाँ हम वो फॉर्मूला ही यूज किए, मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला हमने कैसे यूज किए, ये क्या है बच्चों, हाफ। हाफ क्या है कि बैक टू फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी। तो बैक टू फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या मतलब, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू 5/11 क्या है कि बैक टू में रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी। तो बैक टू में रेड बॉल, बस समझो, बैक टू में रेड बॉल यानी कि आपने रेड बॉल फाइंड किए कहाँ, बैक टू पे। बात समझ में आई, बैक टू पे आपने रेड बॉल फाइंड किए, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी कि ये आपका क्या बोल रहा है, हाफ इंटू 3/7, क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बैक वन। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ बैक वन फाइंड किए इनटू, इसके बाद आपने क्या किया, बैक वन पे एक रेड बॉल फाइंड किए, यानी कि आपने क्या किया बच्चों, रेड बॉल फाइंड किए कहाँ, बैक वन पे, ये एक केस हो जाएगा। प्लस इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, बैक टू फाइंड करोगे, आपने बैक टू फाइंड किए। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वेयर ई टू हैज बीन ऑलरेडी अकर, यानी कि आपने बैक टू सिलेक्ट कर लिए हो, बैक टू के अंदर एक रेड बॉल को फाइंड करोगे। देखो बच्चों, बस यही चीज़ तो मैं लिखा हूँ ना यहाँ, बात समझ में? ये आपका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए इक्वल टू इस वाला केस था, बात समझ में? ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये सॉल्व करने के बाद ये आपका क्या हो रहा है, ये होगा आपका 5/22 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 3/14 प्लस, ये आपका हो जाएगा 5/22 राइट। तो वो चाहिए आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा 35/68 राइट। आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों 35/68। देखो बच्चों, बात बहुत ही आसान है, ठीक है, बात बहुत ही आसान है। आपको ये फॉर्मूला यूज, ये फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस ट्री डायग्राम याद रखना है। तो ट्री डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा। एंड और एक चीज़ बच्चों, आपको इसी वे में नहीं लिखना है, आपको प्रोसेस के साथ लिखना है। कैसे, लेट ए बी द इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल एंड ई वन एंड ई टू बी टू इवेंट्स टू चूज बैक वन एंड बैक टू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए रेड बॉल इन बैक टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए रेड बॉल इन बैक टू करके ये आपको चीज़ लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 16 का सोल्यूशन। अभी और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 17। बच्चों एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है, गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 इज कंटेनिंग 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन एंड इन बॉक्स 3 देर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। ए पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रेंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। इसमें आपका क्या है बच्चों, 3 बॉक्स दिया है, ठीक है। तो मान लो मैं इसे लिख रहा हूँ बॉक्स 1, ये हो गया आपका बॉक्स 2 एंड ये है आपका बॉक्स 3 राइट। ऐसे आपके पास क्या है बच्चों, 3 बॉक्स है एंड फर्स्ट बॉक्स में क्या है बच्चों, 2 गोल्ड कॉइन है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में आपका क्या है बच्चों, 2 गोल्ड कॉइन यानी कि ये भी गोल्ड, ये भी गोल्ड राइट। एंड आपका बॉक्स 2 में क्या दिया है बच्चों, देर आर 2 सिल्वर कॉइन। तो इसमें आपका क्या है, 2 सिल्वर कॉइन दिया है राइट। इसके बाद आपका बॉक्स 3 में क्या दिया है बच्चों, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। इसमें दिया है एक आपका गोल्ड और एक क्या दिया है बच्चों, सिल्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रैंडम, किसने रैंडमली एक बॉक्स को चूज किया
एक बॉक्स को चूज किया। देखो बच्चों ये तीनों बॉक्स क्या है आपका, आइडेंटिकल। जब तीनों बॉक्स आइडेंटिकल होगा मुझे बोलो किसी भी एक बॉक्स को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3 होगा। ये तीनों में से किसी भी एक बैग को, किसी भी एक बॉक्स को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, 1/3 होगा। आगे बढ़ते तो ए पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। किसी ने रैंडमली एक बॉक्स को चूज किया एंड एक कॉइन को फाइंड आउट किया, राइट। हाँ, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर वो कॉइन गोल्ड हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ए गोल्ड। जो आपने एक कॉइन को निकाले वो कॉइन अगर गोल्ड हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो दूसरे कॉइन है ना वो भी गोल्ड होने का प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब ये है जब आप एक गोल्ड फाइंड कर लोगे उसके बाद और एक गोल्ड रहेगा, तो ये केस कहाँ बनता है बच्चों, आपका बॉक्स वन पे बनता है। कहने का मतलब ये है कि बॉक्स वन पे जब आप एक गोल्ड कॉइन को निकाल दोगे आपके पास और एक गोल्ड कॉइन रहेगा। बात समझ में? तो आपको फाइंड करना है कि बॉक्स वन पे, बॉक्स जो आपने गोल्ड कॉइन फाइंड किए हो वो गोल्ड कॉइन बॉक्स वन पे होने का प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब यह है, मान लो बच्चों बॉक्स वन को मैं इवेंट E1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 जहाँ की मैं गोल्ड कॉइन ऑलरेडी पा चुका हूँ। बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए गोल्ड कॉइन इन बॉक्स वन। तो मान लो बच्चों मैं क्या करूँगा, ए को, इवेंट ए को क्या लिखूँगा, टू फाइंड ए गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन को फाइंड करने के लिए मैं इवेंट ए से रिप्रेजेंट किया हूँ। मान लो इवेंट E1 क्या है बच्चों, टू चूज बॉक्स वन, राइट। देन इवेंट E2 क्या है बच्चों, टू चूज बॉक्स टू, राइट। सिमिलरली आपका इवेंट 3 क्या है, टू चूज बॉक्स 3। बात समझ में है बच्चों? ठीक है। अच्छा, और मुझे बोलो बॉक्स वन पे, राइट, बॉक्स वन पे आपका गोल्ड कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी कितना, बॉक्स वन पे टोटल कितना गोल्ड कॉइन है बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में? देन बॉक्स टू पे टोटली आपका गोल्ड कॉइन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, बॉक्स टू पे आपके पास गोल्ड कॉइन है ही नहीं, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 0/2। तो ये बन जाएगा आपका 0। बात समझ में? इसके बाद हम देखेंगे बच्चों बॉक्स टू पे गोल्ड कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी, गोल्ड कॉइन कितना है, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है बच्चों, 2। इसमें आपका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 2। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए बच्चों कि आपने जो गोल्ड कॉइन फाइंड किए हो वो गोल्ड कॉइन बैग वन यानी कि आपका बॉक्स वन पे होने का प्रोबेबिलिटी कितना। तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा बच्चों, ये वाला केस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, ये तीनों। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते। तो पहले तो मैं क्या करूँगा बच्चों, बॉक्स वन को सिलेक्ट करूँगा। बॉक्स वन को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉक्स वन के अंदर गोल्ड कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1। बॉक्स वन पे गोल्ड कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पहले क्योंकि तीनों केस लेंगे ना, फर्स्ट केस वन लेंगे। केस वन पे क्या है, बॉक्स वन को मैंने सिलेक्ट किया 1/3, बॉक्स वन पे गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किया (1) प्लस बॉक्स टू को सिलेक्ट किया 1/3 (2), बॉक्स टू के अंदर गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किया उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 0। बात समझ में? इसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉक्स थ्री को सिलेक्ट करूँगा, बॉक्स थ्री का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। एंड बॉक्स थ्री में गोल्ड कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये आपका बन जाएगा 1/2। बच्चों इसको आपका बेयस थ्योरम से भी कर सकते हो, या आप चाहे तो बेयस थ्योरम भी लिख सकते हो, जो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो इससे पहले काम करते हैं बच्चों एक बार, या जो कुछ लिखे ना बेयस थ्योरम का यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये 1/3 क्या था बच्चों, हमने पहले क्या किए थे, बैग वन को सिलेक्ट, सॉरी आपका बॉक्स वन को सिलेक्ट किए थे। तो बॉक्स वन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 (1) का मतलब क्या है कि बॉक्स वन पे गोल्ड कॉइन सिलेक्ट किए हो। तो आपने क्या किया बच्चों, एक गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किए, कहाँ,
बॉक्स वन पे, राइट, डिवाइडेड बाय। इसके बाद आपने क्या किया बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आपका क्या है पॉसिबल आउटकम, इसमें आपने क्या किया, पहले बॉक्स वन को सिलेक्ट किए एंड बॉक्स वन के अंदर आपने एक गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किए, बात समझ में। उसके बाद आपने क्या किया बच्चों, बॉक्स टू को सिलेक्ट किए, बॉक्स टू के अंदर गोल्ड कॉइन सिलेक्ट किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपने ई टू को सिलेक्ट किया, इसके बाद गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, आपने बॉक्स थ्री को सिलेक्ट किए, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री। ए बाई ई थ्री क्या मतलब इसका, आपने एक गोल्ड कॉइन को सिलेक्ट किया कहाँ, बॉक्स थ्री पे, राइट। और ये आपका क्या है बच्चों, बाइस थ्योरम का जो फॉर्मूले, ठीक है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस, ये तो हो गया जीरो, ये हो जाएगा आपका वन बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई, ये आपका हो रहा है टू प्लस वन थ्री बाई सिक्स, राइट, ये हो जाएगा आपका सिक्स, ये हो जाएगा आपका टू प्लस वन, राइट। इसे सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा आपका वन बाई थ्री इंटू सिक्स बाई थ्री, राइट, हाँ, तो थ्री टू जा, ये आपका बन जाएगा टू बाई थ्री, राइट। तो आपका आंसर ये बन जाएगा बच्चों टू बाई थ्री, ठीक है। देखो बच्चों बात बहुत ही आसान है, ठीक है, बात बहुत ही आसान है, बस आपको जैसे कि मैंने आपको कहा, बस ये ट्री डायग्राम याद रखना है एंड ये ट्री डायग्राम का यूज करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी और क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी और एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 18 बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोल रहा है, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए एच आई वी टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ऑफ पीपुल हैविंग एच आई वी 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, ऑफ पीपुल फ्री ऑफ एच आई वी 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट एच आई वी नेगेटिव बट 1% आर डायग्नाइज एज शोइंग एच आई वी पॉजिटिव फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एच आई वी 1% इज सिलेक्टेड एट रेंडम गिवेन द एच आई वी टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज एच आई वी पॉजिटिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एच आई वी। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है कि एक मास पॉपुलेशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन है, ये लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, लार्ज पॉपुलेशन के अंदर क्या है बच्चों, आपका दो केस बन रहा है। एक केस तो ये है, एक है आपका एच आई वी पॉजिटिव और एक क्या है बच्चों एच आई वी नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि कहीं एक आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कहीं एक सर्वे हुआ था, ठीक है, वो सर्वे में क्या था बच्चों, कुछ एच आई वी पॉजिटिव थे और उसमें क्या है बच्चों कुछ एच आई वी नेगेटिव थे। तो बच्चों जो एच आई वी पॉजिटिव थे, ठीक है, तो उसमें पूरा एच आई वी पॉजिटिव जो डिटेक्ट हुए थे उसमें क्या था बच्चों 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, यानी कि जितने लोग एच आई वी पॉजिटिव निकले थे, ठीक है, उसको जब टेस्ट किया गया, राइट, उसको जब टेस्ट किया गया उसमें क्या है बच्चों, उसमें आपका 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, इसमें क्या है बच्चों इसका 90%, बस समझो इसका 90% क्या हुआ बच्चों एच आई वी पॉजिटिव, इसका 90%, राइट, इसका 90% इसका मतलब क्या है बच्चों 0.9, यानी कि 90% का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों 0.9, बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि आपने क्या किया बच्चों कि एक मास पॉपुलेशन से दो टाइप ऑफ पॉपुलेशन थे, कुछ थे एच आई वी पॉजिटिव, कुछ थे एच आई वी नेगेटिव। जो एच आई वी पॉजिटिव थे जब उनको हम फिर से टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद 90% सही डिटेक्ट हुए, यानी कि 90% एच आई वी पॉजिटिव थे, यहाँ भी क्या हुआ बच्चों 90% सही डिटेक्ट हुए और 10% जो क्या है बच्चों इनका जो रिपोर्ट अलग हो गया यानी कि नेगेटिव हो गया। तो इसमें आपका एच आई वी नेगेटिव क्या हुआ बच्चों 10%, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 0.1, बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।
ऑफ पीपुल फ्री ऑफ HIV, जो लोग फ्री ऑफ HIV थे यानी कि HIV नेगेटिव थे, जब इन लोगों का टेस्ट किया गया, ठीक है, जब इन लोगों का टेस्ट किया गया, इसमें से क्या हुआ बच्चों, 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। इसमें 99% लोग निकले जो कि क्या है बच्चों, HIV नेगेटिव, बट 1% आर डायग्नोज एट शोइंग HIV पॉजिटिव। बट ऐसे 1% लोग थे जिन लोगों का नसीब ही खराब था बच्चों, उन लोग क्या हुआ, पॉजिटिव निकल गए। यानी कि पहले उन लोग का रिपोर्ट क्या हुआ था, HIV नेगेटिव हुआ था, जब उन लोगों को फिर से टेस्ट किए वो क्या हो गया बच्चों, आपका पॉजिटिव हो गया। जैसे कि अभी COVID-19 का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद बोलते नहीं नहीं आपका नेगेटिव, जो कि हम और किसी का रिपोर्ट आपको दे दिए थे, ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज होते हैं। तो ये जो आप पहले HIV नेगेटिव थे, जो आपका पहले HIV नेगेटिव थे, उसमें क्या है बच्चों, ऐसे 99% लोग जिन लोगों का क्या हुआ, HIV नेगेटिव, 99% यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 0.99, यानी कि ऐसे 0.99 प्रोबेबिलिटी, और 99% जिन लोगों का क्या है बच्चों, HIV नेगेटिव निकला, और 1% लोग का क्या निकला, HIV पॉजिटिव। तो ये आपका क्या होगा, 0.01%, उसका 1% का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 0.01। आई होप यहाँ तक बस आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाँ, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, ठीक है, तो पूरा आपका जो पॉपुलेशन है ना, पूरा पॉपुलेशन से टोटल कितना HIV पॉजिटिव हम निकाले थे बच्चों पहले, बात समझ में, क्योंकि मैंने क्या कहा था बच्चों कि आपके पास एक लार्ज पॉपुलेशन था, वो लार्ज पॉपुलेशन में कुछ पॉजिटिव HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आया और किसी का पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आया। जिन लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया उन लोगों को फिर से क्या हुआ, टेस्ट किया गया, उसमें से इतना क्या हुआ पॉजिटिव निकले, इतना नेगेटिव निकले। जिन लोगों का नेगेटिव था उसमें इतना नेगेटिव निकले और इतना पॉजिटिव निकले, बात समझ में। एंड आपका जो लार्ज पॉपुलेशन था वो लार्ज पॉपुलेशन का सिर्फ 0.1% लोग ऐसे थे जो लोग क्या थे बच्चों, HIV पॉजिटिव के कैटेगरी पे थे, राइट। तो 0.1% इसका मतलब क्या है, 0.1/100, तो सिंपलीफाई करने से ये आपका बन जाएगा 1/1000, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 0.001, 1/1000 हो रहा है ना बच्चों, 0.1% क्या है, 1/1000, जो कि आपका क्या है, 0.001, ठीक है। तो 0.1% का मतलब क्या है कि 0.001 प्रोबेबिलिटी होगा किसका, कि पूरा लार्ज पॉपुलेशन से HIV पॉजिटिव वाला। एंड आपका HIV नेगेटिव वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0.999, बात समझ रहे हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पे दिया है बच्चों, देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी में क्या है बच्चों, बस आप लोगों का अप्रोच को समझने में ही जब टाइम लगता है, ठीक है, अप्रोच बस आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो लिखने में सिर्फ 1-1.5 मिनट में आप लिख लोगे सारे जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है बच्चों, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% ऑफ HIV, 1% इज सिलेक्टेड रेंडमली, एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया है, गिवेन HIV टेस्ट, उनका HIV टेस्ट किया गया, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव, और उनका क्या हुआ बच्चों, HIV पॉजिटिव निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो जो एक्स लोग का, ठीक है, आपने टेस्ट किए हो उनका क्या है बच्चों, HIV पॉजिटिव निकला, तो उसका एक्चुअली में HIV पॉजिटिव था, उसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपने जो लोग को रेंडमली सिलेक्ट किए एंड वो HIV पॉजिटिव निकला, वो पॉजिटिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। कहने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट केस बोल रहा है, आपका वो जो है ना फर्स्ट केस में होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले एक इवेंट ले लूँगा। ये इवेंट क्या है, ये इवेंट है कि एक पर्सन जो चूज किए हैं वो आपका क्या है, HIV पॉजिटिव। तो ए मैं ले लूंगा, टू चूज ए HIV पॉजिटिव पर्सन, राइट। मैंने क्या किया बच्चों, एक HIV पॉजिटिव पर्सन को चूज किया, जो कि आपका क्या है, ए इवेंट। एंड E1 इवेंट क्या है, E1 इवेंट क्या बोल रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन से जो लोग का HIV पॉजिटिव है, तो E1 मैं ले लूंगा, E1 बी द इवेंट
टू चूज HIV पॉजिटिव फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन पे, राइट, एक लार्ज पॉपुलेशन पे, एक लार्ज पॉपुलेशन पे पॉजिटिव होने का इवेंट, जो को मैं A1 से रिप्रेजेंट किया हूँ। और A2 क्या है बच्चों, आपके पास लिख लेना है टू चूज HIV नेगेटिव फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ लार्ज पॉपुलेशन, राइट। और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड HIV पॉजिटिव बाय द पैथोलॉजिस्ट, तो ये आपका हो जाएगा। A2 क्या है, नंबर ऑफ पीपल टू टेस्ट HIV नेगेटिव बाय द पैथोलॉजिस्ट, या आई थिंक सॉरी डायग्नोस्टिस्ट बोला था, राइट। हाँ, चला और रोहिला बनना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, कि अभी हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A। क्या मतलब इसका, कि जो आप रेंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट किए थे एंड वो पर्सन क्या था बच्चों, HIV पॉजिटिव था, तो वो पर्सन HIV पॉजिटिव वाला कैटेगरी पे होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम के लिए पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है, कि वो ग्रुप ऑफ लार्ज ऑफ पॉपुलेशन से टोटल कितना आपका HIV पॉजिटिव थे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 0.001 × इस केस में HIV पॉजिटिव टोटल कितना था, 0.9, ये हो जाएगा आपका 0.9, मैं इसको ऐसे इंटू कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएगा आपका 0.001 × क्या हो रहा है बच्चों, 0.9 प्लस सेकेंड केस क्या बोल रहा है बच्चों, 0.999 × ये आपका बन जाएगा HIV पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 0.01, बस समझ में। इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है बच्चों, मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है, बट आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करना है। आपका आंसर आएगा 90/1089, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा 90/1089, ठीक है। देखो बच्चों, बात बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन को बस आपको समझना है, ठीक है, एंड ये टाइम ही लगेगा बच्चों। एंड इसमें और एक प्रोबेबिलिटी का और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ बच्चों, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको एक एक नया नया लॉजिक मिलेगा, ठीक है। तो बात यह है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उतना कॉन्फिडेंट आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। एंड ये बहुत ही आसान है बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस डिपेंड ये करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पे आपका जो भी अप्रोच है, अप्रोच कैसे यूज करते हो, बस यही है, ठीक है बच्चों। तो ये था बेस थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको कहा इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड एक्सरसाइज है, जो कि आपका 13.3 है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, और जितने भी आपका एग्जाम्पल्स रहा, सारे एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करना। अगर इसके बाद फिर किसी का कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं और एक वीडियो भी बना दूंगा। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो एंड मेरे वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।